नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और आज हम डिस्कस करेंगे बंधन बैंक का जो क्वार्टर फोर 2020 का रिजल्ट आया था, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उन्होंने उनके जो प्रोविजन्स है वो कितने पोस्ट किए हैं, इसके अलावा उनके प्रॉफिट्स कैसे रहे ये क्वार्टर के, उनके नेट और ग्रॉस लेवल के एनपीए कितने हैं, कैपिटल एडिक्वेसी कितना है, इसके अलावा बैंक ने क्या गाइडेंस दिया है और आगे जाके ये जो स्टॉक है उसमें इन्वेस्ट करना फिलहाल में ठीक होगा या नहीं, इसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको यही चैनल पे सारे डिटेल एनालिसिस मिलेंगे। यहाँ पे हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, इसके अलावा जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है जैसे कि हम ये वीडियो में करने वाले हैं, तो ऐसे अलग अलग क्वार्टर के अलग अलग स्टॉक के रिजल्ट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ताकि ये क्वार्टरली रिजल्ट जो है उसके डिटेल्स आप समझ सको। मैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हूँ, तो उस पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरे चैनल के रिसेंटली 25,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे, इसीलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके लिए मैंने एक गिव अवे प्लान किया है, तो मेरा जो वैल्यू इन्वेस्टिंग का मास्टर कोर्स है इसके रिगार्डिंग जो 5 लकी विनर्स हो गए तो उनको मैं 20% का डिस्काउंट देने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उसमें जो स्टेप्स दिए वो आपको फॉलो करने हैं, विनर्स के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो पहले हम बंधन बैंक का जो रिजल्ट आया था इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। हम पहले ये देख लेते हैं कि बंधन बैंक ने डिपॉजिट्स में कैसे इंक्रीज किया है। तो उनके 31 मार्च 2019 में जो टोटल डिपॉजिट्स थे वो 432.32 बिलियन रुपीस के थे। बाद में उन्होंने दिसंबर 2019 में इसको इंक्रीज किया, और जब भी 5 मार्च 2020 को यस बैंक का इशू हुआ था तभी आप देखोगे तो उनके पास टोटल 567.24 बिलियन रुपीज इतने डिपॉजिट्स थे। और इसके बाद भी उन्होंने आप देखोगे तो ये जो डिपॉजिट्स है वहाँ पे इंक्रीज किया है। आपको पता होगा कि कुछ गवर्नमेंट्स ने जैसे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये जो प्राइवेट बैंक्स है उससे जो डिपॉजिट्स है वो उन्होंने निकाल लिए या विड्रॉ किए, और इसका जो इम्पैक्ट है वो कुछ बैंक्स को हुआ है। और आप बंधन बैंक के केस में देखोगे तो उनके जो डिपॉजिट्स है वो कंटिन्यूसली ग्रो किए हैं। 31 मार्च 2020 में उनके जो डिपॉजिट्स है वो 570.82 बिलियन रुपीस के है, और अभी फिलहाल में आप देखोगे 30 अप्रैल 2020 में वो बढ़ के 580.30 हो गए। यानी कंटिन्यूसली आप यहाँ पे देखोगे तो डिपॉजिट्स में इंक्रीज हुआ है। और यहाँ पे एक ये इम्पोर्टेंट है कि इनके जो डिपॉजिट्स है उसमें से मोस्टली जो डिपॉजिट्स है वो रिटेल बेस्ड डिपॉजिट्स है, और इसीलिए ये जो डिपॉजिट्स है उनको सेफ डिपॉजिट माना जाता है कम्पेयर टू जो बड़े अमाउंट के डिपॉजिट्स होते हैं या वो जो होलसेल डिपॉजिट्स होते हैं। इसके बाद में हम मॉरेटोरियम की डिटेल्स देख लेते हैं। तो बंधन बैंक के अलग अलग इफेक्ट हुआ है मोरेटोरियम का। पहले हम उनके माइक्रो लेंडिंग में क्या इफेक्ट हुआ है इसके बारे में देखते हैं, उसके बाद में मोर्टगेज एसएमई और एनबीएफसी के बारे में जो डिटेल्स है वो देखेंगे। तो माइक्रो लेंडिंग में 100% जो मोरेटोरियम है वो अप्लाई हुआ है, पर यहाँ पे आप देखोगे तो 95% जो डीएससीज है यानी डोर स्टेप सर्विस सेंटर वो ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, और उनके जो ऑफिसर्स है वो बोरोअर्स के कॉन्टेक्ट में है और उनका फीडबैक ले रहे हैं। 79% ऐसे उनके जो बोरोअर्स है जिनका जो एवरेज डिपॉजिट है या उनका जो बैलेंस है वो 3070 रुपीज से ज्यादा है बंधन बैंक के साथ, और ये जो अमाउंट है वो लगभग 4 जो वीकली इंस्टॉलमेंट है इसके करीब आ जाता है। इसका मतलब बैंक को यहाँ से थोड़ा सेफ्टी दिख रहा है। इसके अलावा बैंक का ये भी कहना है कि जो चीजें कुछ डिस्टर्ब हुई है लॉकडाउन के वजह से वो 4 से 6 वीक में थोड़ी ठीक हो सकती है। तो ये हो गया माइक्रो के बारे में, माइक्रो लेंडिंग। इसके बाद में हम मॉर्गेज में देखते हैं। तो मॉर्गेज में आप देखोगे तो टोटल 100% जो उनके कस्टमर्स है उनको ऑफर किया था मोराटोरियम, पर उसमें से सिर्फ 13% लोगों ने उसको अप्लाई किया है, और बाकी जो 87% कस्टमर्स है उन्होंने जो अप्रैल 2020 का इंस्टॉलमेंट है उन्होंने पे किया है। तो ये आप देखो तो बैंक के लिए अच्छा है। उन्होंने जो बाकी एनबीएफसी को लोन्स दिए है उसमें बेसिकली 2 टाइप्स आ जाते हैं, एक एनबीएफसी अदर्स का है और एक एमएफआई यानी माइक्रो फाइनेंस जो एनबीएफसी है, उसमें से 59% एनबीएफसी ने मोरेटोरियम का जो है उसके लिए अप्लाई किया है। और इसमें भी आप देखोगे तो ऐसे जो एनबीएफसी है जिसको बंधन बैंक ने लोन दिया है तो उनका एवरेज कैपिटल एडिक्वेसी 20% से ज्यादा है, तो ये बेसिकली बैंक को और थोड़ा कंफर्ट देगा। अभी हम उनके अलग अलग जो लोन्स दिए है कैटेगरी वाइज उसके थोड़े डिटेल्स देखते हैं। जो पहला कैटेगरी है जहाँ पे सबसे कम इम्पैक्ट आया है एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज, इसके बाद में अफोर्डेबल हाउसिंग, फूड प्रोसेसिंग एंड रिटेल, पर्सनल एंड हेल्थ केयर, ऐसे अलग अलग है। तो इसमें आप टोटल देखोगे तो उनके जो टोटल लोन्स दिए है यानी टोटल परसेंटेज ऑफ असेट्स या एडवांसेस
वो 80% यही कैटेगरी में आ जाते हैं जिसमें आप देखो तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसमें माइक्रो बैंकिंग में आप देखोगे तो लगभग 359,039 मिलियन रुपीज में है, नॉन बैंकिंग में आप देखोगे तो लगभग 215,070 मिलियन रुपीज का है, और टोटल एडवांसेस जो है ये कैटेगरी के जिसमें ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है वो टोटल 574,109 मिलियन रुपीज के है, यानी 57,410 करोड़ के है। इसके बाद में नेक्स्ट जो सेगमेंट है उसमें थोड़ा कम इम्पैक्ट है पर कंपेरेटिवली फर्स्ट सेगमेंट से ज्यादा है। तो इसमें आप देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग या नॉन एसेंशियल के जो गुड्स होते हैं, इसके अलावा NBFCs या माइक्रो फाइनेंस के रिलेटेड NBFCs, वुड मेटल फर्नीचर या बिल्डिंग मटेरियल, ऐसे उन्होंने कुछ लोन्स दिए हैं। तो इसमें आप टोटल अमाउंट देखोगे तो उनके जो टोटल लोन है उसका 16% है। और उसके बाद में सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है उसमें आप देखो तो ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड जो चीजें के लिए उन्होंने लोन दिया है, वेलनेस और ब्यूटी पार्लर, तो ये बेसिकली आप देखोगे तो ऐसी चीजें हो जाती है, एक चीज जो बेसिक नहीं है जिसको हम जनरली डिस्क्रिशनरी कहते हैं, तो ये उनका जो टोटल लोन है उसके 4% का है। तो बेसिकली आप यहाँ पे देखोगे तो मोस्ट ऑफ द उन्होंने जो लोन्स दिया है वो थोड़े सेफ तरीके के लोन हैं। यहाँ पे अभी हम थोड़ा ज्योग्राफिकल वाइज वायरस के रिगार्डिंग डिटेल देख लेते हैं। तो मेजरली जो बंधन बैंक काम करती है वो नॉर्थ ईस्ट में करती है, जहाँ पे आप देखोगे तो उनके टोटल लोन्स का यानी माइक्रो फाइनेंसिंग लोन्स में से 81% वहाँ ही है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो उसमें ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है, जो वायरस के केसेस है वो सिर्फ वहाँ पे 5% है कम्पेयर टू बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि वायरस का बैंक पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि पहले कुछ इकोनॉमी में जब भी मेजर इश्यूज आए थे तभी बैंक पे इसका क्या इम्पैक्ट आया था। तो यहाँ पे आप पहले देखोगे तो फार्म लोन वेवर जब भी उत्तर प्रदेश में हुआ था अगस्त 2017 में, तभी बंधन बैंक में टोटल जो इम्पैक्ट था यानी जो 90+ DPD होता है यानी डेज पास्ट ड्यू, तो उसका जो इम्पैक्ट था वो 4.6% का था, और रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री में आप देखोगे तो बहुत ज्यादा था, लगभग 3 times था, 14.3% था। तो इससे हमें दिख रहा है कि बैंक में जनरली कम इम्पैक्ट होता है। सिमिलरली जो साइक्लोन आया था ओडिशा में मई 2019 में, तो बंधन बैंक में 1% का इम्पैक्ट आया था और बाकी इंडस्ट्री में 6.5% का इम्पैक्ट आया था। इसके अलावा जो भी नेचुरल कैलामिटी आता है यानी जैसे कि साइक्लोन आ जाता है या इसके अलावा जब भी फ्लड आ जाते हैं, तो ये जो छोटे बोरोर्स होते हैं जैसे कि चाय वाला हो गया या जो सब्जी बेचते हैं, तो उनको ज्यादा इम्पैक्ट आ जाता है, क्योंकि ऐसे जो नेचुरल कैलामिटीज में उनका जो बेसिक सोर्स ऑफ इनकम होता है यानी उनका जो दुकान हो गया या उनका आप देखोगे तो कुछ असेट्स हो गए, तो वो असेट्स चले जाते हैं यानी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके अलावा उनके आप देखोगे तो घर भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, पर ये केस में वैसे नहीं हुआ है, उनके जो असेट्स है वो उनके साथ ही है, सिर्फ वहां से कुछ उनको कैश नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जब भी जो चीजें वो थोड़ी सेटल हो जाएगी तभी उनके जो बोरोवर्स है वो 4 to 6 weeks में स्टेबल हो जाएगा। और जैसे कि आपको पता होगा कि आसाम में 2019 में नवंबर में कुछ प्रोटेस्ट चल रहा था, इसके रिगार्डिंग भी बंधन बैंक में काफी कम इम्पैक्ट आया है कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री। तो यहाँ पे बंधन बैंक का जो इम्पैक्ट है वो 3.1% है 90+ DPD में, और रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री में वो 3 times ज्यादा है यानी लगभग 10% का है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो बैंक है उनके बोरोवर्स के साथ उनका काफी अच्छा आप देखोगे तो एक रिलेशन डेवलप हुआ है, और इसीलिए आप देखोगे तो जनरली बंधन बैंक में कम इम्पैक्ट आ जाता है। अभी आप उनकी जो असेट बुक है यानी जो लोन बुक है उसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देख सकते हो। तो मार्च 2019 यानी एक साल पहले आप देखोगे तो उनका जो माइक्रो लेंडिंग का परसेंटेज था वो 86% का था, और अभी वो काफी कम हो गया है, 64% का हुआ है, क्योंकि ये साल में आप देखोगे तो उन्होंने ग्रू फाइनेंस को एक्वायर किया था। तो अभी उनका मॉर्गेज का जो सेगमेंट है वो टोटल 26% कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो बेसिकली ग्रू फाइनेंस से उनको आया है। और टोटल लोन बुक में भी आप देखोगे तो जो मॉर्गेज था वो 2019 में सिर्फ 10.62 बिलियन रुपीज का था, जो अभी बढ़ के लगभग 185.78 बिलियन रुपीज का हो गया है। और टोटल आप लोन बुक देखोगे तो 447 बिलियन रुपीज से 718 बिलियन रुपीज हुई है। यहाँ पे आप देखोगे तो जो इंक्रीज हुआ है 60.5% का, इसमें ग्रुप फाइनेंस का भी काफी पार्ट आ जाता है, इसीलिए आपको जो इंक्रीज है वो बहुत ज्यादा दिखेगा। अभी हम बैंक की कैपिटल एडिक्वेसी कितनी है इसके बारे में देखते हैं। तो करंटली उनकी जो कैपिटल एडिक्वेसी है 27.43 है, और लास्ट ईयर में उनकी कैपिटल एडिक्वेसी 29.2 थी, तो यहाँ पे थोड़ा कमी हुई है, पर ये भी आप देखोगे तो जो कैपिटल एडिक्वेसी है वो बहुत बेटर है, आरबीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली ये 10% होना चाहिए। नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी NIM आप देखोगे तो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में वो थोड़े बड़े है, लास्ट क्वार्टर में वो थोड़े कम हो गए थे 7.9% के थे, फिर से वो बढ़ के 8.1% के हुए है। आप यहाँ पे 2019 के साथ कंपेयर करोगे
2020 को, तो आपको 10.4% से 8.1% का डिक्लाइन दिखेगा। तो इसका ये भी रीजन है कि उन्होंने ग्रुप फाइनेंस को एक्वायर किया था ये ईयर में। इसके बाद में आप उनके कॉस्ट ऑफ फंड देख सकते हो, तो कॉस्ट ऑफ फंड में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आए हैं, पर एक्चुअल में जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे कम हुए हैं। ईयर ऑन ईयर आप देखोगे तो 6.3 से 6.9% हुए हैं। अभी हम आरओए यानी रिटर्न ऑन असेट्स देखते हैं, तो क्वार्टर फोर में उनके जो रिटर्न ऑन असेट्स है और इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी कम हुआ है, 20% से 13.7% हुआ है और रिटर्न ऑन असेट्स 3.5% से 2.4% हुए हैं। ईयर ऑन ईयर आप देखोगे तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ा है 19% से 21.1% हुआ है और आरओए यानी रिटर्न ऑन असेट्स वो ईयर ऑन ईयर कम हुआ है 4.2% से 3.6% हुआ है। तो यहाँ पे जो कमी हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखोगे तो इसका जो रीजन है वो उन्होंने कुछ प्रोविजंस किए हैं जिसके बारे में आगे जाके देखते हैं, तो ये उसका बेसिकली रीजन है। यहाँ पर आप उनके ग्रॉस लेवल के एनपीए और नेट लेवल के एनपीए देख सकते हो, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये ईयर हुए तो उनके जो ग्रॉस लेवल के एनपीएस है वो कम हुए हैं 2.04% से वो फिलहाल में 1.48% हुए हैं। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो कि उनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे क्या मूवमेंट आया है, तो ये जीएनपीए का बेसिकली डिटेल्स है और ये जो नंबर्स है वो सारे बिलियन रुपीज में है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो दिसंबर 2019 के कंपैरिजन में यानी क्वार्टर थे 2020 से कंपेयर करोगे तो जो क्वार्टर फोर है यानी मार्च का क्वार्टर, उसमें उनके जो मैक्रो लेंडिंग के एनपीएस है वो 2.88 बिलियन से 2.09 बिलियन हुए है। मॉर्गेज में भी ये थोड़ा कम हुआ है, जो ग्रुप फाइनेंस का है उनका बेसिकली वो 3.01 से 2.48 बिलियन रुपीज का हुआ है और बाकी जो है उसमें भी कमी आई है 5.93 से 5.35 हुआ है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो उनके जो टोटल जीएनपी यानी ग्रॉस लेवल के एनपीएस में 11.83 मिलियन रुपीज से 9.93 मिलियन रुपीज फिलहाल में हुआ है, जो बैंक के लिए अच्छा है। अभी हम उनके टोटल डिपॉजिट्स देखते हैं, रिटेल के डिपॉजिट यहाँ पे भी आप देखो तो स्लाइट इंक्रीज है। मार्च 2019 में वो 77.4% के थे, मार्च 2020 में वो 78.4 के थे। यहाँ पे आने आप देखोगे तो 1% का इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे आप टोटल कासा देखोगे तो कासा में भी इंक्रीज हुआ है और कासा प्लस टर्म डिपॉजिट आप देखोगे तो यहाँ पे लगभग 32% का इंक्रीज हुआ है, जो काफी अच्छा है। लास्ट ईयर में वो 432 बिलियन रुपीज का था, फिलहाल में वो 570 बिलियन रुपीज का हुआ है और ये आप देखोगे तो बहुत अच्छा अचीवमेंट उन्होंने किया है। कासा एज अ परसेंटेज आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ी कमी हुई है, 40.8% से 36.8 हुआ है, क्योंकि उनके जो टर्म डिपॉजिट्स है उसमें ज्यादा इंक्रीज हुआ है कम्पेयर टू उनका जो कासा है उसमें। अभी हम डिटेल देख लेते हैं ये क्वार्टर के कि उन्होंने कैसे रिजल्ट पोस्ट किया है और उसका आगे जाके क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे पहले तो हमें क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर को कंपेयर करना है, ना कि लास्ट ईयर के क्वार्टर से, क्योंकि लास्ट ईयर में आप देखोगे तो उनका मर्जर नहीं हुआ था ग्रुप फाइनेंस से और इसीलिए जो नंबर्स हो गए वो कंपेरेबल नहीं हो गए। तो यहाँ पे आप कंपेयर करोगे क्वार्टर थ्री से क्वार्टर फोर में नेट इंटरेस्ट इनकम में, तो यहाँ पे 4% का इंक्रीज हुआ है और जो नेट इंटरेस्ट इनकम है जिसको एनआईआई कहते हैं, जिसमें हम इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस करने के बाद आप देखोगे तो क्वार्टर फोर 2020 में 16.8 बिलियन रुपीज का है, जिसमें आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो 9% का इंक्रीज हुआ है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, आपको लास्ट ईयर से कंपेयर नहीं करना है क्योंकि लास्ट ईयर में जो ग्रुप फाइनेंस का मर्जर है वो नहीं हुआ था, यानी ये नंबर्स है वो कंपेरेबल नहीं हो गए। इसके बाद हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं जो टोटल 15.21 बिलियन रुपीज का है, कंपेयर आप करोगे लास्ट क्वार्टर में वो 12.65 बिलियन रुपीज का था, यानी 20% का यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो चीज है वो प्रोविजन की है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो नॉर्मल प्रोविजन है वो 1.38 बिलियन रुपीज के है कम्पेयर टू 2.95, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रोविजन में कमी आई है। पर यहाँ पे अभी जो कोविड के प्रोविजन है वो 6.9 बिलियन रुपीज के है और ये वायरस के प्रोविजंस के वजह से उनका जो टोटल प्रॉफिट है वो कम हुआ है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स उन्होंने 6.93 बिलियन रुपीज का, यानी लगभग 693 करोड़ का पोस्ट किया है। कंपेयर टू आप देखोगे तो उन्होंने लास्ट क्वार्टर में 970 करोड़ का पोस्ट किया था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे 28% का डिक्लाइन आया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने 517 करोड़ का पोस्ट किया है, जो लास्ट क्वार्टर में 731 करोड़ का था। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मुझे लगता है कि जो रिजल्ट्स मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, शायद ये जो रिजल्ट्स है वो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से काफी बेटर रिजल्ट्स है, पर यहाँ पे एक्चुअल जो पेन होगा यानी एक्चुअल जो इश्यूज हमें सामने दिखाई देंगे वो क्वार्टर वन 2021 और क्वार्टर टू 2021 में दिखाई देंगे, क्योंकि ये रिजल्ट्स में
जो मार्च का लॉकडाउन है वो सिर्फ 10 डेज का था, और अभी आप देखो तो जो एक्चुअल इम्पैक्ट है वो अप्रैल और मई में दिखाई देगा। तो इसीलिए हमें वेट करना पड़ेगा कि क्वार्टर वन के रिजल्ट्स कैसे आते हैं, पर मुझे लगता है कि ओवरऑल बैंक काफी बेटर कंडीशन में है क्योंकि उनका जो कैपिटल एडिक्वेसी है वो भी बेटर है, और चंद्रशेखर घोष जी को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है क्योंकि उन्होंने जो माइक्रो लेंडिंग है वो लास्ट 20 ईयर से वो माइक्रो लेंडिंग करते हैं, और उन्होंने ऐसी जो सिचुएशन है वो पहले भी देखी है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जब ये नेचुरल कैलामिटी आ जाती है तभी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है कंपेयर टू करंट की जो सिचुएशन है, तभी जो बोरोवर्स होते हैं उनके जो असेट्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और बाद में उनको रिकवर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो करंट का सिचुएशन मुझे लगता है थोड़ा बेटर है कंपेयर टू जो प्रीवियस ऐसे सिचुएशंस आए थे उनके कंपैरेटिवली। एग्जैक्ट आइडिया हमें नेक्स्ट एक या दो क्वार्टर में मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हो इसमें आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो क्या आप बंधन बैंक आपके पोर्टफोलियो में होल्ड करते हो? तो इसके रिलेटेड मैंने ऊपर पोल क्रिएट किया है जिसमें आपका ओपिनियन जो है वो दे सकते हो। यदि आपको कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में डिटेल एनालिसिस चाहिए या उसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हो, ताकि ऐसे जो स्टॉक्स है इसके रिलेटेड में मेरा जो व्यू है या मेरा जो एनालिसिस है वो आपके साथ शेयर कर सकूं। आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जो एनालिसिस है उससे बेनिफिट मिल सके।